ये सारे शुभम के तमाम तुम्हारे तालिबात हम देख रहे थे पांचवे सेमेस्टर में ग्यारहवां पर्चा अदबी तनकीद। इसमें हमने तनकीद क्या है, तनकीद के मुख्तलिफ माहरीन की ऊपर राय पढ़ा है। उसके बाद हमने दबिस्तान तनकीद का मुताला किया है कि दबिस्तान तनकीद क्या है, और इन दबिस्तान तनकीद में हमने मुख्तलिफ दबिस्तान तनकीद का मुताला किया है, जिसमें तमाम जमालियाती तनकीद, मार्सी तनकीद, तासुराती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद वगैरह का हमने मुताला किया है। इसके अलावा हमारे निसाब में जो अगला मौजू रखा गया है वो है मगरिबी तनकीद और मशरिकी तनकीद निगाह। तो आज हम जो मगरिबी नखाद है, मतलब वो नखाद जो मगरिबी ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, हमें उसका मुताला यहाँ पर करना है, जिसमें हम जैसा देखते हैं कि अफलातून है, अरस्तू है। अफलातून मतलब प्लेटो जिसे कहते हैं, अरस्तू जिसको अरिस्टोटल कहते हैं, सुकरात है, और मैथ्यू अर्नॉल्ड है, कॉलरिज है, ये तमाम ऐसे नखाद है जिन्होंने तनकीद में बहुत बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से इन नखादों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो खैर, हम जब पढ़ते हैं मगरबी तनकीद और तनकीद निगाह, डॉक्टर वहाब अशरफी इस बारे में मगरबी तनकीद के बारे में कहते हैं, लिखते हैं वो इख्तिबास है कि हैरत की बात है कि ढाई सदी गुजर जाने के बावजूद अफलातून, अरस्तू, होरिस, लॉन जॉन्स वगैरह की अदबी अजमत पर वक्त की गर्द नहीं जमनी पाई। इनकी निगारिशात के मुताले के बगैर अदबी तनकीद का मुताला तिशना रह जाता है, और तनकीद के बाज बुनियादी और अहम मसाइल पर गौर फिक्र की बसीरत पैदा नहीं होती। डॉक्टर वहाब अशरफी कहते हैं कि भाई इतने 250 साल के ऊपर हो चुका है, इतना अरसा गुजर चुका है, यानी अफलातून, अरस्तू वगैरह जैसे मगरबी नखादों का, लेकिन आज भी जब भी अदबी तनकीद का जिक्र निकलता है तो इन तमाम नखादों का मुताला ज़रूरी समझा जाता है, उसके बगैर अदबी तनकीद का मुताला नामुकम्मल है। यानी उतना ज़्यादा इतनी उनकी अहमियत है, और इनके बगैर कहा जा रहा है कि भाई अदबी तनकीद को या तनकीद को समझना उनको अच्छे तरीके से हम नहीं समझ सकते जब तक इन नखादों का हम मुताला नहीं करते हैं। खैर, कहा जाता है कि अदबी तनकीद के अव्वलीन नमूने अदीबों और शायरों की तख्लीकात में नज़र आते हैं। न जाने कितना बेश कीमत अदबी सरमाया तो इनकलाबात ज़माने के हाथों बर्बाद हो गया, लेकिन जो बच रहा इसमें बाज़ाब्ता तनकीद तो नहीं, अलबत्ता तनकीद के इब्तदाई नखोश या तनकीदी इशारात ज़रूर मिल जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से करीब 5000 बरस पहले एक यूनानी शायर ह्यूमर गुजरा है। इसकी नज़मों एलियट और ओडिसी में शेर व अदब और मौसीकी के बारे में जो कुछ कहा गया है, इसे तनकीद का कदीम तरीन नमूना करार दिया जा सकता है। मतलब ह्यूमर जो अंग्रेज़ी शायर था, उसकी जो नज़म है उसको आज भी बहुत ज़्यादा क्या है, सराहा जाता है। ह्यूमर कहता है कि शेर व नगमा में सदाकत होनी चाहिए। इसकी राय में शेर व नगमा का असल मकसद सुनने वाले को मुसर्रत बहम पहुँचाना है, शायरी को वो इल्हामी करार देता है।
मतलब ये कि शायर खुद शेर नहीं कहता बल्कि अनदेखी कुव्वत उससे ये काम करती करवाती है। इसीलिए हुम्मत के ज़माने में शायरी को मुक़दस ख्याल किया जाता था, लेकिन मुक़दस होने के बावजूद यूनानियों की नज़र में शायरी इंसान और इंसानियत की खादिम थी। इसीलिए ज़िंदगी से इसका रिश्ता अस्तवार था और इसकी ज़बान आसान और आम फहम होती थी। ह्यूमर के बाद हेबेट, ज़ूनोफेंस, पिंडार और अरस्टोफेंस ने भी अपनी नज़मों में फ़न शायरी के बारे में इजहार ख्याल किया है। हेबेट के नज़दीक शायर मुअल्लिम अखलाक, शायर मुअल्लिम अखलाक भी होता है। ज़ूनोफेंस इन शायरों को नापसंद करता है जिनके कलाम में देवी देवताओं का एहतराम नहीं पाया जाता। पिंडार उसलूब को ज़्यादा अहमियत देता है और किफ़ायत लफ्ज को कलाम की बड़ी खूबी समझता है। अरिस्टोफेंस आफाकियत व सदाकत पर जोर देता है। गर्ज ये कि यूनानी नज़मों में तनकीदी ख्यालात बिखरे हुए नजर आते हैं। इन शायरों और ड्रामा निगारों के फौरन ही बाद अफलातून का अहद शुरू हो जाता है। अब जब हम अफलातून की तरफ आ रहे हैं तो उससे पहले के जो वो का जो पस मंजर है हम उसका यहाँ पर मुख्तसर कर रहे हैं कि कहा यह गया है कि भाई जब उससे पहले की तरफ अफलातून से पहले का जो जमाना था जैसा ह्यूमर है, हेबेट है और ज़ूनोफेंस है या मुख्तलिफ जो शायर रही है तो वो कहते हैं कि भाई शायरी को सब क्या समझे जाते थे, इल्हामी समझा जाते थे। इल्हामी मतलब ये कि कोई काम खुद से नहीं करते थे बल्कि कोई ऐसी कुव्वत ऐसी ताकत होती है जो सिर्फ उसी शख्स को नसीब होती है और वो इल्हाम में अपने जो कलाम कहता है वो शायरी है। मतलब शायरी हर कोई नहीं कर सकता। वो कहा गया है कि जिसको वो खुदा ने जो खुद बख्शी है खुद ब खुद उसमें वो जो बात आती है और वो खुद ब खुद उस होश व हवश में नहीं रहता है और बेसाख्ता जो कलिमात निकलते हैं तो वो शायर कहलाते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा इल्हामी और ज़्यादा मुक़दस कहा गया है। लेकिन मुख्तलिफ शायरों ने ये भी कहा है कि भाई ये सही है मगर उसमें देवी देवताओं का भी जिक्र होना चाहिए। किसी ने कहा कि भाई शायरी के ज़रिए क्या है, शायर जो होता है वो मौलवी में अखलाक भी होता है, मतलब अखलाक का दर्ज भी देता है। ज़ूनोफेंस वगैरह है कुछ वगैरह कहते हैं कोई उसलूब को अहमियत देता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ अपने अपने मुताले के पेश नज़र अपनी अपनी राय यहाँ पर दी है। चलिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पर पढ़ना है तो वो है अफलातून, जिसको अंग्रेजी में प्लेटो भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कब ज़माना था और वो अफलातून ने तनकीद में क्या खास बात किया है। तो कहते हैं कि नामवर यूनानी फलसफे अफलातून का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 400 साल पहले का ज़माना है। वो सुकरात का शागिर्द और अरस्तू का उस्ताद था। अफलातून शायर था लेकिन शायरी से मायूस होकर आखिरकार फलसफे की तरफ मुतवज्जे हो गया। तनकीद के फन पर इसने कोई मुस्तकिल किताब नहीं छोड़ी लेकिन मुकालमात अफलातून में ऐसे इशारे मिलते मौजूद हैं जिनसे इसके तनकीदी नज़रियात आसानी के साथ मुरतब किए जा सकते हैं। इन मुकालमात में जमहूरिया और खानों ख़ास तौर पर अहम है। चलिए हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अफलातून। तो कहा गया है कि अफलातून कौन है और इसका ज़माना कौन सा है। तो कहा गया है कि अफलातून का ज़माना जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 400 कब्ल है, जिसको कहा गया है कि 400 खाफमीम यानी खबले मसी BC जिसको कहते हैं इसमें यानी बिफोर सेंचुरीज पे। तो 400 खबल मसीह ये पहले का दौर अफलातून का है। ये यूनान का रहने वाला है इसमें। और दूसरा क्या है
कि ये फलसफी यानी फिलोसोफर रहा और शायर भी था, लेकिन पहले शायर था और शायरी करता था, लेकिन बाद में वो शायरी से बदजन हो चुका था, उसके बाद वो फलसफे में चला गया और फिलोसफी के ही तरीके से रहकर अदबी नक्काद बना। और बाज़ाब्ता ये कौन है तो और कहा गया कि भाई ये जो है इसकी पहचान दूसरी ये है कि ये क्या है, अफलातून जो है वो सुकरात का शागिर्द है, जिसको इंग्लिश में सोक्रेट्स कहते हैं, इसका शागिर्द है, और अरस्तु जिसको एरिस्टोटल कहते हैं, इस अरस्तु का उस्ताद है और सुकरात का शागिर्द है। कौन? अफलातून, सुकरात का शागिर्द और अरस्तु का उस्ताद। इस तरीके से उसके दौर की अहमियत है, उस दौर का इसे हम समझ सकते हैं कि ये दौर कौन सा होगा। सोक्रेट का हम जानते हैं, सुकरात को, अफलातून उसका शागिर्द और अफलातून का शागिर्द अगर अरस्तु। तो ये लोग ऐसी जुड़ी थी मुख्तलिफ तरीके से शायर शायरी के बाद उन्होंने एक फलसफी पर ध्यान दिया और यहीं से उनके तनकीदी नज़रिया सामने आते हैं। कहा गया है कि वही अफलातून जो था उसने कुछ तनकीद पे खास किताब नहीं लिखी, खास किताबें होती तो उस दौर में मुख्तलिफ छापने के इशात के वो ज़राए भी नहीं थे, और जो कुछ बातें या ख्याल वगैरह होते थे उसको लिख दिया जाता था और उसको मुरतब करके छाप मुरतब कर दिया जाता था। लेकिन वो दौर इस कदर कबल मसीह है तो ये नहीं था, फिर मुख्तलिफ जंग जिदाल का दौर था, मुख्तलिफ तरीक़े से हुक्मरानी होती थी, जंग होती थी, और जो भी जीत जाता था वहाँ के बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, तबाह व बर्बाद हो जाती थी। तो इस दौर से अरसे पहले के दौर के बहुत सारे फलासफरों की भी बातें थी, लेकिन वो सब मवाद क्या हो गया, ज़ाय हो गया। लेकिन अफलातून के जो मुख्तलिफ बातें हैं तो किताब मुस्तकिल किताब तो इन्होंने नहीं छापे हैं, लेकिन जो किताब जनरल मिलती है जिस पे इशारे मिलते हैं तो वो है मुकालमात अफलातून। तो ऐसे एक छोटे मुख्तसर ऐसे तस्करे अगर मौजूद है इसमें, ये जब हम पढ़ते हैं अफलातून के ऐसे मुकालमात अफलातून के नाम से तो उसमें हमें मुख्तलिफ शायरी ये मुख्तलिफ असनाफ और मुख्तलिफ शोरा के बारे में इनके तनकीदी नज़रियात हमें मिल जाते हैं, और उसमें तनकीद के मुतालिक कही हुई बातों का जिक्र हमें मुकालमात अफलातून से पता चल जाता है। इसमें कोई ख़ास किताब तो नहीं है, लेकिन यही चीज़ मुकालमात अफलातून जो मौजूद है इस पे से ही हम मुख्तलिफ चीज़ों का आया तनकीद के बारे में अफलातून का नज़रिया हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी तक हमें सिर्फ इतना ध्यान में देना है कि हम मगरबी नखादों का जिक्र कर रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ये चीज़ें रहन में रखना है कि हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो अफलातून है, जो यूनान से ताल्लुक़ रखता है, जो एक फ़िलासफ़र भी है और शायर भी है, जिन्होंने इस शुरुआत में शायरी की है और उसके बाद वो शायरी से थोड़ा बदज़न हो चुके थे तो फिर फ़िलासफ़ी पे गए और वहाँ से उन्होंने मुख्तलिफ बातें कही, तनकीदी नज़रियात पेश किए और वही चीज़ यहाँ पर आज भी मौजूद है। अफलातून की और पहचान ये है कि वो सुकरात के शागिर्द था और अरस्तु जैसे माहिर फ़िलासफ़र का क्या है वो उस्ताद रहा, यानी मशहूर शख्सियत का शागिर्द है और एक दूसरी मशहूर शख्सियत का उस्ताद भी है। तो उसलिए ख़ासकर अफलातून की अहमियत ज़्यादा बढ़ी आती है कि सुकरात जैसे फ़िलासफ़र का वो शागिर्द रहा है और अरस्तु जैसे फ़िलासफ़र का वो उस्ताद रहा है, तो ये उसके लिए ख़ास बात थी। तो ये हमें बात ये अहम नुकातों को यहाँ समझना है, उन्होंने मुख्तलिफ नज़रियात जो पेश किए उनकी मुस्तकिल कोई किताब तो नहीं, लेकिन मुकालमात अफलातून का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें तनकीदी नज़रियात मिलते हैं। अब उनकी ख़ास बात यही रही कि उनके तमाम बातों में जो सबसे अहम बात मौजू रहा उनकी बात करने का तो वो रहा कि जमहूरियत और खानगी, इन दो बातों को ख़ास यहाँ पर ध्यान दिया गया है और इसी पर उन्होंने
बात की है। तो खैर ये थे अफलातून जिसका हम मुताला कर रहे थे। अफलातून ने ये इसको हमें तफसील से पढ़ना है और अफलातून ने तनखीद में और कौन कौन से काम किए हैं ये हमें आगे देखना है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि तनखीदी पेपर को हम आसानी से समझ रहे हैं। ये तनखीदी मगरबी नखारों के साथ साथ मशरक़ी नखारों का भी हमें इस सेमिस्टर में मुताला करना है। तो आज से ये इतना बात जहन में रखते हुए हम आज यहीं पर रुकते हैं और आगे अफलातून के ताल्लुक से हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।